जय भोलेनाथ, जय नागेश्वर। आपको कष्ट दिया क्षमा करें, कृपया इस प्राणी के शरीर से अपना जहर वापस चूस लें। बुला बेटे, अपने भाई को वापस बुला। मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ? अपने पिता की इस बीन को बचा, वो फौरन आएगा। कौन नागराज को हमारा आदेश मानने से रोक रहा है? नागेश्वर जी हमारा कहना बिना माने लौट गए। लगता है तुम लोग पाखंडी हो, पापी हो। जरूर तुमने घोर पाप किया है। ले जाओ इस पाप के बोरे को यहां से। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बचा सकती। ले जाओ। महाराज, बेटे 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 साल पहले तुझे चले जाने के लिए कहकर दुखी हुई थी, क्या करती, बेसहारा थी ना बेटा, खुद अपना पेट नहीं भर सकती थी, तुझे कैसे भूखे मारती, इसीलिए तुझे अपने से अलग किया था। लेकिन अब तेरी माँ बेसहारा नहीं है, अब तू यही रहेगा अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास रहेगा ना, हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा। अरे भैरव,
इतना बड़ा तांत्रिक भी सांप से हार गया। अरे जब तंत्र और मंत्र काम नहीं है तो हम और हमारे हथियार क्या काम आएंगे? मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। जागते सोते हर वक्त हर तरफ मुझे सांप ही सांप नजर आते हैं आपके मुंह में। अरे मैं कहता हूँ जान है तो जान है, लुटा दो उन मनु से अवराध को, नहीं तो एक दिन अजीत की तरह वो सांप हमें भी सूख लेगा। संपत्ति, अगर दोबारा तुमने ऐसी कायरता की बात की तो सांप से पहले मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, समझे? अरे लेकिन मेरा गला घोटने से सांप तो नहीं मर जाएगा ना? सांप भी मरेगा और सपेरा भी मरेगा संपत। कैसे? इन जेवरातों को पाने के लिए हमने खून की होली खेली है, कई लाशें गिरी हैं, उनमें से एक लाश मेरे बेटे की भी है। जंग का ऐलान हो चुका है संपत, और इस जंग का एक ही उसूल होता है, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें मौत के घाट उतारे तुम उसकी जिंदगी की डोर काट दो, वरना। हाँ समझ गया भैरव, इससे पहले कि अपनी जिंदगी का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए मैं उसकी चिता को आग लगा दूंगा। आग? आज पहली बार तुमने अकल की बात की है दुम दबा के। अरे दुम दबी नहीं, तुम खड़ी हो गई है आपके मुंह में। हा? जब बात अपनी मौत की आती है ना तो आदमी के दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाती है, तो मेरी भी खुल गई है आपके मुंह में। हा? से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, समझे? क्या सोच रही है कजरी? तेरा सूरज अब किसी और की जिंदगी का उजाला बन गया है, तेरे हिस्से में तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। जिंदगी भर अंधेरे में घुट घुट के मरने से अच्छा है अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दे। हाँ एक नया मोड़ दे दे। दरवाजा बाहर से बंद है। कजरी कहाँ है? आओ। कजरी, कजरी। कजरी
मैंने कुछ नहीं छेड़ रखी Thank you.